सत्यव्रत, आज से 7 दिन के पश्चात महाप्रलय आए, तब मैं इसी विशाल काय मत्स्य अवतार में तुम सब की रक्षा करूं। तब तक एक विशाल नाव का निर्माण कर समस्त प्राणियों को सप्त ऋषियों अपने साथ उस नाव में बिठाना। उचित समय आने पर मैं तुम सबका सारथी बनकर इस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊं। धन्यवाद प्रभु। अब जाओ सत्यव्रत, मेरे इस अवतार को अब जल में रख। जैसे जैसे मधु कैटअप का पाप बढ़ेगा, मेरा ये रूप विशालकाय होता जाएगा। उचित समय आने पर मैं अपना पूर्ण रूप धारण कर अपना कर्म अवश्य करूंगा। बताओ ना, अब आगे नारायण क्या करेंगे? अब नारायण वो यहाँ से भाग जाएंगे। अर्थात? अर्थात मैं यहाँ से अभी शिक्षण भाग जाऊंगा। किंतु क्यों? आगे की कथा तो सुनो। राधा, एक पहर पूर्ण हो चुका है, अब लोग आते ही होंगे। इतनी प्रातः काल घर से निकल के चली गई राधा, अवश्य उस कृष्ण से मिलने गई होगी। बाबा के चेतावनी देने के पश्चात भी राधा उस कृष्ण से मिलना छोड़ नहीं रही। अब ये सब राधा और कृष्ण के इस अपराध के साक्षी बनेंगे। आज राधा अपवित्र घोषित होगी। कृष्ण, सब लोग यहीं आ रहे हैं, अब मैं क्या करूंगी? कुछ मत करो और चिंता तो बिल्कुल मत कर, केवल अपने मुख पे एक मुस्कान रख। मुस्कान? किंतु कैसे? कथा सुननी है या नहीं? अच्छा बाबा, ठीक है। ये क्या, अयंदर लोगों के साथ आ गया? शीघ्र करो। हे नारायण, आज पहली बार कृष्ण को इस प्रकार लुप्त देख मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। राधा, अरे अयन, तुम यहाँ? राधा, तुम इतने प्रातः यहाँ क्या कर रही हो? अपना कार्य, मैं यहाँ प्रतिदिन पानी भरने आती हूँ ना, तो आज क्यों चली आई? हाँ, तुम सदैव पानी भरने आती हो, पर हमारे उठने से पहले उठ के नहीं आती हो ना? माँ, यदि मेरी निद्रा सबसे पहले खुल गई तो इसमें मेरा क्या दोष? चलती हूँ। चलो चलो, समय नष्ट कर दिया अयन ने, जाने दो, यहाँ तो कोई नहीं। हाँ हाँ, चलो। यदि आज माँ और अयन ने देख लिया होता तो। अपने मुख पे एक मुस्कान रखना। राधा, घर पे कोई नहीं है, ना जटिल ना अयन, कहाँ गए वो लोग? बाबा, माँ और अयन तो वो घाट पे कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण को ढूंढने गए? क्यों? अब इसका उत्तर तो आपको वही दे सकते हैं बाबा। अच्छा सुनो, गणेश चतुर्थी आ रही है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो मैं चाहता हूँ हर क्षण तुम मेरे साथ रहो, ठीक है? जो आ गया बाबा। हाँ शुका, माय कृष्ण ही तो भेजा इसे। कृष्ण, कृष्ण।
परंतु बाबा ने तो मुझे गणेश चतुर्थी के प्रबंध करने को कहा है और आयन वहां कृष्ण को ढूंढ रहा है। मैं यहाँ कहानी का अगला अंश जानने को कितना आतुर हूँ। नारायण के मत्स्य अवतार ने आगे क्या किया होगा, किंतु ये सब प्रश्न मुझे बताएगा कैसे? अपने मुख पे एक मुस्कान रख। नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे तो केवल मुस्कुराना है। क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य उदय एक प्रहर परिवर्तन कर सकता है, जो मत्स्य का रूप ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब तो मैं चिंता मुक्त रहूंगी, अब जो करेगा कृष्ण ही करेगा। काना जा कहाँ रहे हो? राधा शीघ्र चलो, हमें हाट पहुंचना है। राधा, मैं तुम्हें राधा दिखाई दे रहा हूँ। कान्हा, मैं तुम्हारा दाऊ हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्षमा कर दीजिए दाऊ, मैं कहाँ, किससे, किस रूप में मिल रहा हूँ, मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूँ, भ्रमित हो रहा हूँ। अच्छा, तो अब इतना कुछ हो रहा है कि तुम अपने दाऊ को ही भूलने लगे हो? हाँ, अरे क्या हुआ, इतनी छोटी बात को आप हृदय पे क्यों ले रहे हैं? मत लीजिएगा। नहीं लेता, किंतु ये तो बताओ कि हम इतनी शीघ्रता से हट की ओर क्यों जा रहे हैं भला? राधा के समक्ष नारायण की कथा अधूरी छोड़कर आया, उसी कथा को पूर्ण करने जा रहा हूँ। हाँ, तो कथा तो तुम सुनाओगे ना, तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा? इसमें मेरी सहायता कौन करेगा, आप ही तो करोगे। मुझे तुम्हारी सहायता करनी है, अर्थात तुम पुनः मुझे किसी संकट में फंसाने वाले हो, है ना? अरे नहीं नहीं दाऊ, कैसा संकट, बस सहायता करनी है, और इस बार तो इस सहायता में आप अकेले भी नहीं हो, आपका साथ देने के लिए कोई है। कौन? तनिक अपने पीछे देखिए, ये वानर हमारा पीछा क्यों कर रहा है? ये करेगा हमारी सहायता? हाँ, तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि मैं और ये मिलकर तुम्हें राधा से मिलवाएंगे? अवश्य मिलवाएंगे दाव। आयन इस नाट्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण पात्र होने वाला है।